लेने आई यहाँ? आप क्या लेने आई यहाँ? लड़ाई नहीं करनी। यहाँ भी इसीलिए आए थे कि हमें कुटे, हमें छितर मारे, ये छितर मारे और हम मजलूमियत पेश करें। इधर नूली का जलसा तू क्या लेने आया? नूली का जलसे में भी बहुत से बंदे ऐसे हैं जो पीटीआई के हैं। अलग बंदे भुट्टो के बाद इमरान खान एक वाहिद लीडर है जो इस मुल्क के लिए खड़ा है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। वो जेल में बैठा हुआ है सिर्फ इस जनरेशन के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए। उसने अपना मुस्तकबिल 22 साल की उम्र में बना लिया था। जी बताइएगा कहाँ से आए? मैं इधर ही कोटा किशन का शहरी हूँ। इंशाल्लाह हम पीटीआई को जिताएंगे, इंशाल्लाह हम इमरान खान को जिताएंगे। इस नून लीग के जलसे में भी बहुत से बंदे ऐसे हैं जो पीटीआई के हैं। नहीं तो मेरी बात सुने, पीटीआई के हैं तो नून लीग की चुनावी रैली में क्या कर रहे हैं? रैली में हम सर, हमने ये मौका की नीमत जाना है, हमें रैली जलसा जुलूस करने ही नहीं देते ये लोग। अच्छा, हम पे जबर किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, हमें घरों से उठाया जा रहा है। सर क्या अब नहीं तो प्लेटफॉर्म शहबाज शरीफ, पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ, वो यहाँ उनका उनसे कोई गर्ज नहीं। हमारा लीडर सिर्फ इमरान खान है और हम चट्टान की तरह उसके साथ खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं जी। इमरान खान में क्या खूबी है? जो इमरान खान में खूबी है, अल्लाह के बंदे भुट्टो के बाद इमरान खान एक वाहिद लीडर है जो इस मुल्क के लिए खड़ा है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। वो जेल में बैठा हुआ है सिर्फ इस जनरेशन के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए। उसने अपना मुस्तकबिल 22 साल की उम्र में बना लिया था। शरीफ भी तो जेल गए हैं आप भाई, वो जेल अपने लिए गए हैं, हमारे लिए नहीं गए। हमारे लिए गया है तो इमरान खान गया है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए गया तो इमरान खान, उसको किसी चीज की कमी नहीं। आप कहाँ से? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। नवाज शरीफ के जलसे में इनका कोई काम है? अगर क्या लेने आए यहाँ? आप क्या लेने आए यहाँ? सर देखे मेरी बात सुने, नून लीग का जलसा है, नून लीग का जलसा है। ये लोग अगर इनका जब जलसा हो ये वहाँ पर जाएं, इनका लीडर है यहाँ पे। जी हक है, हक है। एक मिनट सर, फिर यहाँ इसलिए आप कैमरे में देख के बोले, कैमरे में। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई आपका? नाम क्या है? मेरा नाम जुनेद अमजद। जुनेद अमजद, ये बताएं घर में भी? ओ भाई फिर क्या हुआ? राजपूत है तू? राजपूत है, इधर क्या लेने आया तू? हाँ पाबंदी है, इधर नून लीग का जलसा तू क्या लेने आया? लिख के लगा दे ये दो चार लोग। सिर्फ जो लीडर ने इनको सबक सिखाया हुआ है, जो इनको शऊर दिया हुआ है, जैसे 9 मई वाला वाकिया, ठीक है। आज आप इन लोगों को देख लीजिए, 3-4 लोग हैं, ठीक है। इनका हक काम बता, नून लीग इनके जलसे होते हैं, कोई नून लीग का वहाँ पे जाता है? कोई नून लीग का अगर इनका जलसा है पीटीआई का हमारा, मैं समझता हूँ अगर कोई नून लीग का वर्कर जाता है तो वो इंतजारी है। जो इंतजारी जलसा है उसमें लोग क्यों नहीं आते? जी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आप माशाल्लाह लोग। हाँ जी आप देखें उधर, देखें उस साइड पर, देखें गिने इनको। ये गिनती नहीं कर सकते, अल्लाह के हुक्म से लाखों की तादाद में। आप बताएं जी, आप बताएं, आप वोट किसको? शेर को इंशाल्लाह, शेर को। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, शेर तरक्याती काम करवाता है। जो ये मेरा भाई अभी मुनाजरा कर रहा था कि इनके लीडर ने, ये क्या चोर है, इस भाई को मेरे पास लेके आए, इसे के इमरान खान के 5 काम गिनवा दे अच्छे। वो लंगर खाने खोलता है, हमारा कायद कारखाने खोलता है, इनका कायद भीख मांगता है, कहता है मैंने आईएम नहीं जाना, मैं खुदकुशी कर लूंगा। आईएमएफ गया, झोलियां उठा उठा के गया। लोग भी तो गए ना भाई, हम इनकी मजबूरी, इन्होंने बारूदी सुरंगे भी बिछाई है। वो वाहिद लीडर था, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की लीड से जीतेगा, इंशाल्लाह 1 लाख की लीड से इंशाल्लाह। 2018 में क्या किया, क्या किया इन्होंने? सुन ले 2018 में टेंटों वालों को बैन किया गया, चेयर्स देने वाले को बैन किया गया। 2018 में नवाज शरीफ को पाबंद सलासल किया गया, मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। आज ये गुंडे 9 मई के रोज इस मुल्क के कौमी इदारों पर हमला करें और तवक्को रखें कि इस मुल्क के अंदर बदमाशी करेंगे, ये हरगिज नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये फौज हमारी यहाँ भी इसीलिए आए थे कि हमें कुटे,
हमें छितर मारें, ये छितर मारें और हम मजलूमियत पेश करें जैसे खान साहब जैसे कर रहे हैं सारे। दो दिन पहले मेरे गांव में राशिद साहब ने जलसा किया, आज छीना में जलसा है, परसों ओलख में था, कोटला था, किसी जगह जगह पे कारण मीटिंग हो रही है। हमें भी मजलूम है, हमें मना तो हुआ ही नहीं, अपनी करतूते हैं, अदारों को ना गालियां निकाले, इन जलसों में भी अदारों को गालियां निकाल रहे हैं, अदारों को गालियां निकाल रहे हैं भाई इन जलसों में भी। हाँ जी, वो भाई वो तो हमारी डिबेट ही नहीं, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से ये हमारी डिबेट नहीं है कि नून लीग जीतेगी या हारेगी। आपने पूछा कि नवाज शरीफ क्यों जरूरी है, आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के अलावा काम किसने किया है? साढ़े चार साल ये हमारे ऊपर मुसलत रहा, आप इस हलके का सर्वे करें, किसी जगह पे एक ईंट नहीं लगी, किसी जगह पे इस तमाम पाकिस्तान में महरूमियां फैली हुई है। नून लीग इंशाल्लाह, मैं नून लीग का पक्का सपोर्टर हूं, इंशाल्लाह नून लीग को वोट देंगे और जितवाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, आपका वोट ही नहीं बना हुआ, पीछे हो जाए वोट नहीं बना, फिर भी नून लीग पक्की बात है। चलो जी, बहरहाल जी यहाँ पर एक इंतखाबी मुहिम है और हमजा शबाब थोड़ी देर में आने वाले नून लीग के मतवाले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस तरह से ये कारकुन अपने कायदीन के लिए आवाजें उठाती हैं, जो कायदीन है इनके लिए क्या करते हैं, ये सवाल रहेगा।